नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, सिंपल रेसिपी का किचन में आज हम बना रहे हैं इटालियन डिश, इटालियन एग प्लांट। दोस्तों, ब्रेड के साथ इसके कम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट रहती है। एक बार इसको श्योर ट्राई करें, थोड़ा सा बना के इसे एक बार ट्राई करें और ब्रेड के साथ सर्व करें। डेफिनेटली इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 kg ऐसे लॉन्ग वाले बैंगन ले रखी हूँ। भरते वाले ना लें, इसमें भरते वाले बहुत सौगी हो जाते हैं। तो इसमें 1/2 kg के आसपास मैंने ले रखी हूँ। इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटा है, देखिए बहुत ही छोटे। फिर ये फ्राई होंगे तो बहुत और भी छोटे हो जाएंगे, इसके 1/4 हो जाएंगे, ताकि हमें इसमें से जो बड़े बनाएंगे वो सही रहेंगे। तो अभी इसमें मैंने ऑयल, एक ब्रिंजल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले रखी हूँ। फ्राई नहीं करना है हमको, सिर्फ इसको सॉटे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मेक श्योर कि तेल इनफ गर्म हो, नहीं तो फिर वो सारा ऑयल सोख हो जाएंगे और बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो पाएंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। अगर सॉल्ट डालेंगे तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो हम इसको अभी ऐसे ही सॉटे करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसका कवर लगा देते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। ब्रिंजल चेक कर लेते हैं, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको जो फ्राई कर रहे हैं दोस्तों, तो ख्याल रखें कि गैस बिल्कुल हाई होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे अगर कुक करेंगे तो ये पूरा सॉगी होके पूरा पेस्ट टाइप का हो जाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, गैस बिल्कुल भी स्लो ना करें। बस इसमें डाल दे थोड़ा सा सॉल्ट। अभी अगर पानी अभी इसको कवर नहीं करेंगे, अभी एकदम पिंच अप। इसमें इटालियन में हल्दी तो डलते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे पिंच अप हल्दी, बिना हल्दी के तो इंडियंस खाना नहीं बनाते। तो मैं एकदम पिंच अप डाल दिया। तो अभी हाई फ्लेम में इसको थोड़ी देर और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, 1 मिनट से भी कम, क्योंकि हो गए हमारे ये खाली सॉल्ट जैसे मिक्स हो जाए, बस उसी तक ही पकानी है। दोस्तों, जब तक ब्रिंजल पक रहे हैं तो हम तब तक इसकी ग्रेवी तैयारी कर लेते हैं। इसका जो ग्रेवी है, मेन बेस है टमाटर है। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े बड़े टमाटर ले रखे हूँ और थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं इसमें, तो गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा आते हैं। और हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से ले लें। फिर इन तीनों को मिला के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखिए ये अभी रेडी है, अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए, हमने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पर 1/2 किलो ब्रिंजल ले रखा है, तो एक कटोरी, बड़ा कटोरी का 1/2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैदा ले रखी हूँ। अब मैदे के बदले कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट, कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर अरारोट भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हमने फ्राई करने के टाइम में थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, फिर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, फ्रेशली क्रश करेंगे तो बहुत अच्छे टेस्ट आएंगे इसमें। अभी और इसमें डालेंगे हम 1 eggs, मैंने ले रखे हुए यहाँ पर, उसको हम इसे डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसका बाइंडिंग अच्छे से नहीं होंगे तो हम और एक एग को ऐड करेंगे। आई थिंक ये बहुत टाइट हो रहे हैं, तो एक और एग चाहिए इसमें। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर और एक एग ले रखी हूँ। अभी हम मिक्स करेंगे। देखिए, इतना ही लिक्विड चाहिए ये। इससे टाइट होने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये ठीक रहेगा ये कंसिस्टेंसी। तो अभी हम इसमें ग्रेवी तैयारी करते हैं। जिस पैन में हमने एक प्लांट गरम फ्राई करा था, उसी में हम 1 छोटा टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। जैसे ये गरम हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड ऑनियंस। बिफोर स्लाइस ऑनियन, हम यहाँ पर थोड़ा चॉप्ड करा हुआ गार्लिक डालेंगे।
क्योंकि इसमें गार्लिक का फ्लेवर मेन आनी चाहिए। हमने टमाटर के पेस्ट में भी गार्लिक डाला था, तो अभी ये भी डालेंगे। इसको बस कुछ ही सेकेंड के लिए सोटे करेंगे। अब हम डालेंगे फिर स्लाइस्ड अनियन, मैंने दो मीडियम अनियन ले रखी हूँ। इसको सिर्फ सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे कि मैंने कहा था हम इसको कलर चेंज नहीं होने देना है, हम ये इंडियन स्टाइल में नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए ये सिर्फ सॉफ्ट रहेंगे तो खाने के टाइम इसका मिठास आएगी अनियंस की। अभी हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर का, वो डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर चेक कर लेते हैं, ये टमाटर से और कच्ची की बदबू नहीं आ रही है, कच्ची स्मेल नहीं आ रही है, बहुत ही बढ़िया एरोमा आ रही है पके हुए टमाटर की, और गार्लिक की भी बहुत बढ़िया एरोमा आ रही है। अभी हम ये क्या करेंगे, इसमें इसका डबल अमाउंट का वाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें इसको और डबल अमाउंट का पानी डाल के फिर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा वाला बड़ा बनाया ना, ये जब डालेंगे तो उसमें फूल जाएंगे। टमाटर की ग्रेवी चेक करते हैं, देखिए बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हमने ब्रिंजल में डाला था, अभी थोड़ा सा इसमें सॉस में डालेंगे। दोस्तों ये सॉस वाली ग्रेवी वाली सॉस है तो थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें जैसे ही उबाल आ रही है तभी हम इसमें एक एक करके ऐसे डाल देंगे। जैसे उबाल आना बंद हो जाएगा दोस्तों, फिर थोड़ी देर रुक जाएं फिर डालें, नहीं तो ये सारे निकल जाएंगे। थोड़ा गैस भी तेज कर लें, जैसे थोड़ा सा उबाल आए एक डाल दें, फिर जैसे उबाल आना बंद हो जाए फिर बंद कर दे डालना। ऐसे ऐसे करके हम सारा डाल देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने सारा डाल दिया है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इसमें स्पैटुला नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा खाली हिला दें इसको। टमाटर की ग्रेवी और जो वाटर अब मैंने ऐड करा था दोस्तों, उसका क्वांटिटी बिल्कुल ही हाई रखें, क्योंकि जब ये हम डालेंगे मैदे वाले बड़े बैंगन के बड़े, तो ये सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेक श्योर कि वाटर कंटेंट ज़्यादा रहे। अभी हम इसको एक मिनट के लिए ऐसे बॉयल होने देते हैं, बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे स्पैटुला। तब तक हम जिस बाउल में हमने ये करा था तो मिक्सचर बनाया था, उसी में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले रखी हूँ, उसमें हम ऐड करेंगे वाटर, ताकि इसका जो ग्रेवी है इसका थिकनेस आ जाए। अब इसमें कलर के लिए, क्यों टमाटर का रेड कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अगर आपको कलर अच्छे से चाहिए तो थोड़ा सा टमाटो सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा स्वीटनेस भी आ जाएगी और कलर भी आ जाएंगे। तो मैं डाल दिया, अभी हम इसको और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। दोस्तों इटालियन तो कुछ मसाले वगैरह ये लोग खाते नहीं हैं, तो इनका तो सिर्फ टमाटो और ये सूप होते हैं, ऐसे मेरे लाइट सूप होते हैं उनके, तो हमने ये डाल दिया। अगर आप इसको इंडियन स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा कुछ करी पाउडर वगैरह डाल दें, लेकिन और तो कुछ नहीं डाल सकते आप। ये मैंने गैस का फ्लेम जो है मेरा बिल्कुल ही हाई है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। तब चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स है, जैसे इटालियन चिली फ्लेक्स डालते हैं तो हम चिली फ्लेक्स भी डाल दें, इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। अभी हम डालेंगे, जैसे कि आपने मैंने बताया ये इटालियन है, तो यहाँ पर मैं ओरेगानो जो पिज़्ज़ा में डालते हैं मिक्स्ड ओरेगानो वो डाल रही हूँ, एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। नहीं तो अगर आप उसको इंडियन बनानी है तो कोई भी मसाला, जो बटर चिकन मसाला हो, करी पाउडर हो, कुछ भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फीकी रहेगी आपको, बहुत ही लाइट है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होंगे ये। अभी हम इनको थोड़ा मिक्स कर देंगे, देखिए इससे बड़े एकदम उभर के आ रहे हैं और ग्रेवी बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों अभी गैस थोड़ा सा स्लो कर देंगे,
बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी परफेक्टली कुक्ड है ये, तो अभी थोड़ा सा इसको गार्निशिंग करेंगे। वैसे इटालियन पार्सले से गार्निशिंग करते हैं, मैं धनिया से कर रही हूँ। धनिया और पार्सले में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ टेस्ट थोड़ा सा पार्सले का लाइट होता है, धनिया का थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा शार्प होता है इसका टेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये रेडी है, देखिए एकदम बड़े जैसे बन गए हैं। अभी 1 मिनट के लिए इसको हम कवर करके पका लेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों इटालियन एग प्लांट रेडी है। ब्रेड के साथ दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट रहेगी, बनाना बहुत ही इजी है। आप एक बार श्योर टेस्ट करें, ट्राई करें, इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर कर लें। थैंक यू।